नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम, जिसमें आपको मिलेगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉरपोरेट और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए सरकार आटा मिलों और बिस्किट व ब्रेड निर्माताओं को अपने बफर स्टॉक से सस्ता गेहूं उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है। सरकार ने एफसीआई को अगले महीने से थोक खरीदारों को गेहूं बेचने की मंजूरी दे दी है। सरकार अपने भंडार से गेहूं की बिक्री 23,250 रुपए प्रति टन पर करेगी। ये कीमत खुले बाजार में गेहूं की कीमत से करीब 12% कम है। सरकार आपूर्ति बढ़ाकर गेहूं की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करना चाहती है। गेहूं की अधिक कीमत के कारण खाद्य महंगाई लगातार ऊंची बनी हुई है, जो केंद्रीय बैंक को ब्याज दरों में कटौती करने से रोक रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करने की तेज होती मांग के बीच सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम को और ज्यादा आकर्षक बनाने की तैयारी कर रही है। सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस में 50% गारंटीड पेंशन की घोषणा इस बार बजट में कर सकती है। सरकार कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने के लिए एनपीएस में कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में देने की गारंटी दे सकती है। बजट से पहले शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आने की आशंका है। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि बड़े स्तर पर मुनाफा वसूली होने से बाजार में गिरावट आ सकती है। इसका छोटा सा ट्रेलर 10 जुलाई को दिखा है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद मार्केट में जिस तरह की तेजी आई, उसके बाद बड़ी प्रॉफिट बुकिंग तय है। पिछले एक महीने में सेंसेक्स 3,861 अंक चढ़ा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लंबे समय बाद विदेशी संस्थागत निवेशकों ने खरीदारी शुरू की है। घरेलू निवेश लगातार मजबूत बने हुए हैं। इस वजह से बाजार में लगातार तेजी बनी हुई है। 23 जुलाई को आने वाले बजट में कई बड़े ऐलान होने की संभावना है। बजट में बड़े ऐलान से मार्केट सेंटीमेंट को मजबूती मिलेगी। इससे पहले छोटी अवधि के निवेशक नई खरीदारी के लिए प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। जून तिमाही के दौरान बैंक और एनबीएफसी कंपनियों के मुनाफे में गिरावट आने की संभावना के चलते बैंकों के शेयरों में आज गिरावट आई है। बैंकों और एनबीएफसी का मुनाफा घटने के पीछे आरबीआई का वो आदेश है, जिसमें केंद्रीय बैंक ने बैंकों और एनबीएफसी को लोन पर ब्याज वसूली एक्चुअल डिसबर्समेंट के दिन करने का आदेश दिया था। अभी तक बैंक और एनबीएफसी कर्ज मंजूर होने की तारीख से ही ब्याज की वसूली शुरू कर देते थे, जबकि कर्ज मंजूर होने और कर्ज की राशि ग्राहक के खाते में जमा होने में करीब 1 से 1.5 महीने का वक्त लगता है। ऐसे में बैंक समय से पहले ब्याज वसूली कर करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा रहे थे। अब एक जरूरी खबर बिजली उपभोक्ताओं के लिए। बिजली उपभोक्ताओं को साइबर अपराधी निशाना बनाकर धोखाधड़ी को अंजाम दे रहे हैं। बिजली वितरण कंपनियों ने उपभोक्ताओं से सावधानी बरतने और सुरक्षा उपायों को अपनाने की सलाह दी है। साइबर अपराधी बकाया भुगतान के मैसेज भेजते हैं और लोगों से संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने को कहते हैं। ये लिंक अक्सर मालवेयर से प्रभावित वेबसाइट पर ले जाते हैं। देश भर में बिजली बिल को लेकर साइबर धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रेल यात्रियों के सफर को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे अगले 2 सालों में 10,000 जनरल डिब्बों का निर्माण करेगी। इस पहल का मकसद आम रेल यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाना है। अगले 2 सालों में 10,000 गैर एयर कंडीशनर डिब्बे बनाए जाने के बाद कुल यात्री डिब्बों में इनका हिस्सा 22% हो जाएगा। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान रेलवे जनरल श्रेणी के 2,605 डिब्बे, स्लीपर श्रेणी के 1,470 डिब्बे और एसएलआर श्रेणी में 323 डिब्बों के साथ 32 पार्सल वैन और 55 पेंट्री कार का निर्माण करेगी। यात्रियों की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए तैयार इस कार्यक्रम में अमृत भारत ट्रेनों के लिए भी जनरल, स्लीपर और एसएलआर कोच शामिल है। त्योहारों और छुट्टियों के समय कन्फर्म टिकट मिलना बेहद मुश्किल होता है। ट्रेन में जनरल और स्लीपर श्रेणी के डिब्बों की संख्या कम होने से ये समस्या बढ़ जाती है। रेलवे ने इसी समस्या को दूर करने के लिए और सुविधाजनक सफर के लिए गैर वातानुकूलित श्रेणी के डिब्बों का निर्माण करने का फैसला किया है। टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने एसयूवी वाहनों की कीमत घटा दी है। कमजोर मांग और बढ़ती इन्वेंट्री के चलते कंपनियों ने ये कदम उठाया है। कीमत घटाकर कंपनियां एसयूवी की बिक्री बढ़ाना चाहती हैं। टाटा मोटर्स ने अपनी प्रमुख एसयूवी हैरियर और सफारी की शुरुआती कीमत में बदलाव किया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी एक्सयूवी 700 के AX7 वेरियंट की कीमत 2 लाख रुपये घटा दी है। कंपनियों ने दावा किया कि मूल्य में कटौती से अधिक लोगों के लिए एसयूवी खरीदना किफायती होगा।
बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों को झटका लगा है। पब्लिक सेक्टर के बैंक ऑफ बड़ौदा ने MCLR में 0.05% की बढ़ोतरी कर दी है। ये बढ़ोतरी 9 जुलाई से लागू हो गई है। MCLR वह दर होती है जिससे कम पर बैंक लोन नहीं दे सकते। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक साल वाली MCLR को 8.85% से बढ़ाकर 8.90% कर दिया है। होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन जैसे अधिकांश कर्ज की ब्याज दर एक साल वाली MCLR पर आधारित होती है, इसलिए अब होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन महंगे हो जाएंगे। राजस्थान सरकार ने अगले 5 साल में 4 लाख भर्तियां करने, युवाओं के लिए नीति बनाने और 25 लाख ग्रामीण मकानों में नल से जल पहुंचाने की घोषणा की है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य में पहली बार 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे। मेधावी स्कूली छात्रों को इंटरनेट के साथ मुफ्त टैबलेट दिए जाएंगे। 2 लाख मकानों को बिजली कनेक्शन देंगे और खाटू श्याम मंदिर में 100 करोड़ रुपए से कॉरिडोर बनाने और राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन करने की भी घोषणा बजट में की गई। बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 27,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। खादी और ग्रामो उद्योग आयोग का सालाना कारोबार वित्त वर्ष 2023-24 में पहली बार 1.50 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। इस दौरान 10 लाख से अधिक नए रोजगार भी पैदा हुए। KVIC का उत्पादन बीते 10 सालों में 315%, जबकि बिक्री में 400% का उछाल आया है। वित्त वर्ष 2022-23 में KVIC की बिक्री 1.34 लाख करोड़ रुपए रही थी। वित्त वर्ष 2023-24 में ग्रामीण क्षेत्रों में 10.17 लाख नए रोजगार पैदा हुए, जिनसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में काम मिला। ग्रामीण कारीगरों के लिए उत्पादों की मांग बाजार में तेजी से बढ़ रही है। स्पेशलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी सीगल इंडिया IPO लाने जा रही है। इसके लिए कंपनी को हाल ही में सेबी से मंजूरी मिली है। IPO में कंपनी 618 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी करेगी। इसके अलावा OFS के जरिए 1.42 करोड़ शेयरों की बिक्री की जाएगी। सीगल इंडिया एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो एलिवेटेड रोड, फ्लाईओवर, पुल, रेलवे और ब्रिज, सुरंग, राजमार्ग, एक्सप्रेसवे और रनवे जैसे स्पेशलाइज स्ट्रक्चरल वर्क करती है। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी का टर्नओवर 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा है। तो आज के लिए फिलहाल के मनी टाइम में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको देते हैं एक जरूरी जानकारी। मनी नाइन का शो देखना ना भूले, सोमवार से शुक्रवार बीच बाजार। इसमें आपको बाजार से जुड़ी सभी तरह की जानकारी मिलेगी, वो भी चलते बाजार के दौरान। ये हमारा शो आता है सोमवार से शुक्रवार सुबह 10:30 बजे, देखना ना भूले बीच बाजार मनी नाइन के साथ। तो फिलहाल खबरों में इतना ही, बने रहिए मनी नाइन के साथ। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी नाइन के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दें। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए मनी नाइन के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।